सहारनपुर की दया शुगर मिल पर प्रदूषण विभाग के आदेश का कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। इस चीनी मिल को बंद करने का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन मिल के प्रबंधकों पर कुछ असर नहीं पड़ता, जिसके चलते मंगलवार देर रात स्टीम बॉयलर की ट्यूब फट गई और अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जांच की बात कर रहा है। मामला ये बॉयलर में चल रहा था, काम वहाँ वर्कर काम रहते ही है, बॉयलर में फैक्ट्री में काम चलता ही है, और वहाँ जो है 1:18 पे वर्कर जब वो उसमें एक ट्यूब लीक हुई, उसका पानी 3 वर्कर पे डला, 2 पे बहुत कम था, 1 पे थोड़ा ज़्यादा डल गया। तबीयत तीनों हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए, गाड़ी से वहाँ से भेजे गए यहाँ से, और 1-2 की छुट्टी हो गई है वहाँ से, ठीक है, और तीसरे के भी ज़्यादा हालत ज़्यादा गंभीर तो है नहीं, लेकिन वो अपने रिलेटिव हैं इनके कोई हॉस्पिटल, उस रिश्तेदार में अपने यहाँ लेके गए, उनके यहाँ जगह देंगे।